पढ़ाई करना। पेपा और जॉर्ज अपने कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। जॉर्ज चलो गुड़िया और डायनासोर्स के साथ खेलते हैं। वो क्या है? एक भयंकर राक्षस है। डायनासोर। ये एक डायनासोर है। बचाओ, बचाओ। डैडी पिग बाहर के कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं। मम्मी पिग अपनी किताब पढ़ रही है। वो क्या कर रहे हैं? पेपा, जॉर्ज क्या चल रहा है? ये इतना शोर कैसा? वो बचाओ। ये क्या हो रहा है? कितना शोर कर रहे हो? और फर्श पर ये कितना सामान पड़ा है? इस पर गिरकर किसी को चोट लग सकती है। कोई सचमुच गिरा है और उसे चोट भी लगी है। अरे बाप रे, बेचारे डैडी पिग। अब चलो बच्चों, थोड़ी साफ सफाई कर ले। पर मम्मी, हम गुड़िया और डायनासोर से खेल रहे हैं। सफाई करने के बाद तुम खेल सकते हो। पर ये तो सारा जॉर्ज का सामान है। अच्छा, सचमुच? तो ये जॉर्ज का ही खूबसूरत ड्रेस होगा, है ना? नहीं। शायद थोड़ा सा सामान मेरा है। तो चलो, मैं सफाई करने में जॉर्ज की मदद करूंगा और मम्मी पिग पेपा की। क्यों ना हम रेस करें लड़कियां और लड़कों के बीच। बेहतरीन आइडिया है। देखते हैं पहले सफाई कौन करता है। 1, 2, 3। हम जीत रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रहा। ओह, ये क्या है? टेडी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जल्दी पापा, टेडी को अपने खिलौने के बक्से में रखो। डाल दिया। अब ये किताबें। बढ़िया। ये क्या है यहाँ? डायनासोर। सही कहा, डायनासोर की किताब है। ये जॉर्ज की पॉपअप किताब है। ये टायरानोसोरस रेक्स है। टायरानोसोरस रेक्स। सही कहा। तो ये तो ब्रोंटोसोरस है। ब्रोंटोसोरस। बिल्कुल सही। और ये है ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स। सही कहा जॉर्ज। जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है। डैडी, जॉर्ज आपने सफाई करना रोक दिया है। आप रेस हार जाओगे। अरे हाँ, रेस हार जाऊंगा। चलो जॉर्ज, ये किताब वापस रख दो। डैडी, आप बहुत धीरे धीरे सफाई कर रहे हैं। मम्मी और मैं जीतने वाले हैं। नहीं, हम जीतने वाले हैं। हम जीत गए। नहीं, हम जीत गए। हम सब जीत गए। देखो कमरा कितना साफ लग रहा है। कितना साफ कमरा है। सबको शाबाशी। मम्मी, अब जब हमने कमरा साफ किया है तो क्या हम गुड़िया और डायनासोर से खेल सकते हैं? हाँ, अब तुम अपना खेल शुरू कर सकते हो। यिप्पी! मेरी सारी गुड़िया कहाँ है? मिस्टर डायनासोर कहाँ है? मिल गए। डायनासोर। ये डायनासोर है। बचाओ, बचाओ। कमरा फिर से गंदा हो गया। चलो, थोड़ी देर के लिए तो साफ था। प्लेग्राउंड। पेपा और जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में हैं। कैंडी कैट और पेड्रो पोनी क्लाइंबिंग फ्रेम पर हैं। रेबेका रैबिट, सूजी शीप और डैनी डॉग स्लाइड पर खेल रहे हैं। पेपा झूले पर झूल रही है।
मम्मी मम्मी झूला झुलाओ ना। तुम तैयार हो? हाँ, मुझे बहुत ऊंचा जाना है। और ऊपर मम्मी। जॉर्ज को भी झूले पर झूलना है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। कस कर पकड़ो। मैं जॉर्ज को झुलाऊंगी। जॉर्ज को धीरे से झुलाना पेपा। जी मम्मी। कस के पकड़ना जॉर्ज। ओहो, पेपा ने जॉर्ज को बहुत जोर से झूला झुलाया। जॉर्ज को ये बिल्कुल पसंद नहीं। पेपा, तुम्हें पता है जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। चलो वहाँ खेलते हैं। हेलो सूजी। हेलो डैनी। हेलो पेपा। तुम सब गलत कर रहे हो। झूलने का सही तरीका ये है। पीछे रहो। एक दो चलो। मेरी तरफ देखो, मैं पंछी की तरह उड़ रही हूँ। ओह, मैं फंस गई हूँ। पेपा टायर में फंस गई है। ये हंसने वाली बात नहीं है। हमें थोड़ी हंसी तो आ रही है। तुम्हें बाहर निकालना होगा। पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। जॉर्ज, क्या तुम्हें क्लाइंबिंग फ्रेम पर खेलना है? क्लाइंबिंग फ्रेम बहुत ऊंची है। जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। अच्छा चलो स्लाइड पर खेलते हैं। स्लाइड, यिप्पी। पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है। सबको स्लाइड करना पसंद है। मम्मी डैडी मुझे देखिए। एक दो चलो। ये जॉर्ज को भी स्लाइड पर खेलना है। तुम डरोगे तो नहीं ना जॉर्ज, ये थोड़ा ऊंचा है। ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा देता हूँ। ओफो, ये भी जॉर्ज के लिए बहुत ऊंचा है। डरो मत जॉर्ज, मैं साथ में स्लाइड करता हूँ। डैडी, आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े हैं। कुछ भी मत कहो पेपा, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ। चलो पीछे हटो। एक दो तीन। डैडी पिक फंस गए। इसमें हंसने की क्या बात है? डैडी आपको देखकर बहुत हंसी आ रही है। हाँ, शायद थोड़ी हंसी आ सकती है। हमें आपको नीचे ढकेलना होगा। डैडी का पेट उछलने वाले गुब्बारे जैसा है। जॉर्ज को डैडी के पेट पर उछलकर अच्छा लग रहा है। जॉर्ज को अब ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। डैडी फोटो लगा रहे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग के पास पेपा और जॉर्ज का एक नया फोटो है। हमें इस प्यारे से फोटो को दीवार पर लगाना चाहिए। मुझ पर छोड़ दो, मैं इस घर में सब में माहिर हूँ। आपको यकीन है आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं दीवार पर सिर्फ एक किला मार के ये फोटो उस पर टांग दूंगा। बहुत अच्छे, मैं जा रही हूँ दादी और दादा पिग से मिलने। मैं आपको बाद में मिलती हूँ। और प्लीज कचरा करके मत रखना। कचरा? बाय बाय। बाय बाय। क्या हम फोटो लगाने में आपकी मदद करें डैडी? पहले तुम देखो, तभी तो ठीक से सीख पाओगे। पहले नापने के लिए टेप लेते हैं।
और एक पेंसिल। यहाँ पर मैं एक किला मारूंगा। दीवार मत तोड़ देना डैडी। अब मुझे जरूरत है एक हथौड़े की और एक किले की। पीछे हट जाओ बच्चों और देखो मैं कैसे काम करता हूँ। डैडी पिग अब दीवार में कील मारने वाले हैं। दीवार मत तोड़ देना डैडी। कुछ भी बोलती हो पेप्पा। कितना आसान है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। डैडी पिग की वजह से दीवार में बड़ी दरार आ गई। डैडी आपने दीवार तोड़ दी। एक छोटी दरार ही तो है, ये फोटो उन्हें छिपा देगी। देखा हो गया। मुझे अब भी दिख रही है डैडी। मुझे भी। एक काम करते हैं, इसे निकालते हैं और ये दरारें भर देते हैं। कचरा मत करना डैडी। कुछ भी बोलती हो पेप्पा। आ जाओ बाहर जल्दी। ओह डैडी, अब आपने सचमुच दीवार तोड़ दी। आपको लगता है मम्मी को पता चलेगा? हाँ शायद पता चल ही जाएगा। जल्दी करो जॉर्ज। वो क्या कर रहे हैं? डैडी हम आपको देख सकते हैं। डैडी पिक को मम्मी पिक के घर लौटने से पहले दीवार को ठीक करना होगा। एक ईंट दे दो। डैडी पिक ने पहले ईंटों से दीवार को ठीक कर दिया। देखा हो गया। फिर डैडी पिग ने ईंटों पर प्लास्टर लगाया। देखा कितना आसान है। फिर डैडी पिग ने दीवार को पेंट किया। हो गई ना पहले जैसी। दीवार पहले जैसी हो गई। पर घर में गंदगी फैल गई। अरे नहीं, मम्मी आने से पहले सारी सफाई कर देते हैं। पहले डैडी पिग ने पेपा और जॉर्ज को नहलाया, फिर पेपा ने फर्श को साफ किया और डैडी ने सामान जगह पर रख दिया। मम्मी, मम्मी पिग वापस आ गई। मम्मी, मम्मी आ गई। सुनो, अब ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हेलो। हेलो। वैसे आप क्या कर रहे थे? ओ, कुछ भी तो नहीं। हाँ, मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ भी नहीं किया। आप तो दीवार पर फोटो लगाने वाले थे। सारी हड़बड़ी में डैडी पिग फोटो लगाना भूल ही गए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर ये काम तो बहुत आसान है। हो गया। बड़ी ही आसानी से लगा दिया। पर जब आपने किया तो बहुत मुश्किल लग रहा था डैडी, है ना? पापा कहा था ना किसी को बताना नहीं। बीच पर। पेपा और उसका परिवार बीच पर जा रहा है। पेपा और जॉर्ज को बीच पर जाना बहुत पसंद है। कितनी सारी चीजें हैं। याद रखना, लौटते वक्त हमें सब कुछ साथ लेकर जाना है। तौलिए, बीच बैग, छाता, बाल्टियाँ और ये बीच बॉल। शाबाश, अब खेलना शुरू करने से पहले थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाते हैं। धूप बहुत तेज है, इसलिए पेपा और जॉर्ज को सनस्क्रीन लगाना पड़ रहा है। चलो इस बीच बॉल से खेला जाए। बड़ी उछलती है। कितना अच्छा बीच बॉल है। जॉर्ज, तुम बॉल फेंको और मैं उसे पकड़ूंगी। अब जॉर्ज तुम पकड़ो। ओहो, जॉर्ज छोटा है इसलिए बॉल नहीं पकड़ सकता। कोई बात नहीं जॉर्ज, क्या तुम्हें और पेपा को समंदर में तैरना है? हाँ डैडी प्लीज। तो चलो अपने वाटर विंग्स पहन लो। अब तुम तैयार हो।
वाटर विंग्स में तुम बहुत ही स्मार्ट दिखते हो। मेरी बारी, मेरी बारी। हो गया। अब तुम पानी में जा सकते हो। पानी ठंडा है? ये बहुत ही अच्छा और गर्म है। आराम से। आप ही ने शुरुआत की डैडी पिग। अब और कितना छिड़कोगी? डैडी, मुझे बीच पर आना बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को बीच बहुत पसंद है। सभी को बीच बहुत पसंद है। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम इन चीजों के साथ रेत में खेलना चाहोगे? हाँ मम्मी, खेलेंगे। डैडी डैडी, क्या हम आपको रेत में छुपा सकते हैं? अभी? प्लीज डैडी। ओ चलो ठीक है। पेपा और जॉर्ज डैडी पिग को रेत में छुपा रहे हैं। आराम से। हो गया, अब आप नहीं निकल पाओगे। मेरा सर थोड़ा गर्म हो रहा है, क्या मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? ठीक है, पहले प्लीज बोलिए। प्लीज, मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी डैडी। अब ठीक है, अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है। जॉर्ज, चलो रेत का महल बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज रेत के महल बना रहे हैं। जॉर्ज, पहले रेत को बाल्टी में डालते हैं, ऐसे। फिर बाल्टियों को उल्टा करते हैं और ऐसे करते हैं। फिर बाल्टी को उठाते हैं। देखो, बन गया। एक रेत का महल बन गया। और एक रेत का महल। पापा, जॉर्ज, घर जाना है, अपना सारा सामान लेकर आओ। चलो देखें कि हम कुछ भूले तो नहीं। तौलिए, बीच बैग, छाता और बीच बॉल, सब कुछ ले लिया। मुझे यकीन है हम पक्का कुछ भूल रहे हैं। याद आया, हम हैट भूल गए। डैडी, हम डैडी को भूल गए। हाँ, हम डैडी पिग को भूल गए। क्या क्या हुआ? डैडी, मम्मी और मैं तो आपको भूल ही गए थे, पर जॉर्ज को आपकी याद आई। मुझे खुशी है कि जॉर्ज को मेरी याद आई। मिस्टर स्किनी लेग्स। पेपा अपने गुड़ियों के घर से खेल रही है, जॉर्ज भी खेल रहा है। पेपा गुड़ियों के परिवार के लिए चाय पार्टी कर रही है। देखो जॉर्ज, मैं हूँ मम्मी और डैडी और तुम बच्चे बन जाओ। बच्चों, चाय का वक्त हो गया है, अपने अपने हाथ धो लो। जॉर्ज गुड़ियों को सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज, बच्चों को सुला क्यों रहे हो? के लिए चाय पार्टी है। जॉर्ज को गुड़ियों को सुलाना अच्छा लगता है। बच्चों, जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आ जाओ, वरना तुम्हें केक नहीं मिलेगा। जॉर्ज सुन नहीं रहा, वो गुड़ियों को सुलाने में बिजी है। जॉर्ज, अगर तुम्हें मेरे गुड़ियों के घर से खेलना है तो तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी होगी। ये लो जॉर्ज, तुम इसमें पानी भर के ले आओ। बच्चों, अभी नीचे आ सकते हो। मम्मी, हम आ रहे हैं। जॉर्ज टीपॉट में पानी भर रहा है। वो जॉर्ज को बेसिन में मकड़ी मिली है। जॉर्ज को मकड़ी से दोस्ती करनी है। जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। मकड़ी को भी जॉर्ज पसंद है। पेपा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। सारे चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ है डैडी? मैंने कल बहुत सारे देखे थे।
ओह मुझे माफ कर दो मम्मी, शायद मैं खा गया। हो हो हो। शरारती डैडी। जॉर्ज मकड़ी को बेड पर सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी है। फिक्र मत करो। प्लीज डैडी उसे बाहर निकालिए। डरने की जरूरत नहीं है। हेलो जॉर्ज, क्या तुमने स्पाइडर को देखा? प्लीज डैडी उसे निकालिए, वो बहुत डरावना है। डरने की जरूरत नहीं है पेपा, स्पाइडर्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और वो कुछ नहीं करते। फिर भी चिंता मत करो, डैडी इसे बेडरूम से बाहर ले जाएंगे। ये तो काफी बड़ा लग रहा है। मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। मम्मी पिग। हेलो मिस्टर स्किनी लेग्स। पेपा थोड़ी बहादुर हो गई है। उसे मेरी गुड़ियों के घर में अच्छा लग रहा है। हेलो बच्चों, सुना है कि तुम्हें एक छोटा सा स्पाइडर मिला है। मैं उसे कमरे से बाहर निकालती हूँ, फिर तुम दोनों खेल सकते हो। मम्मी उसका नाम है मिस्टर स्किनी लेग्स। मिस्टर स्किनी लेग्स तो काफी बड़े हैं, है ना? पेपा और जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। गुड नाइट। जॉर्ज मकड़ी को सुला रहा है। नहीं जॉर्ज, उसे चाय चाहिए, उसे अभी सोना नहीं है। क्या आपको भूख लगी है मिस्टर स्किनी लेग्स? क्या आप थोड़ा केक खाएंगे? पेपा को अब उस मकड़ी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मम्मी डैडी बैठ जाइए, अब हम सब मिस्टर स्किनी लेग्स के साथ चाय पियेंगे। चाय किसे चाहिए? मैं लूंगी। मुझे भी चाहिए। ये तो बहुत ही यम्मी है। पेपा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। ये रही आपकी चाय मिस्टर स्किनी लेग्स। क्या हुआ? ओ मेरे डैडी को हेलो बोलना है। हेलो डैडी पे। रहने दो पेपा, अब मिस्टर स्किनी लेग्स को उनकी चाय जो पीनी है। आपको डर तो नहीं लग रहा है ना डैडी? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने नजदीक मत लाओ इसे। पेपा को मिस्टर पतले पैर पसंद है। सभी को मिस्टर पतले पैर पसंद है। दादा पिग की बोट। दादा पिग, पेपा और जॉर्ज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं। तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों। पेपा, जॉर्ज, चलो लाइफ जैकेट्स पहन लो। दादा पिग की बोट पर पेपा और जॉर्ज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पड़ते हैं। पता है बच्चों, इस बोट का कैप्टन मैं हूँ। आई आई कैप्टन। आई आई कैप्टन। जब कैप्टन दादा तुम सबको कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए। बेवकूफी छोड़ कर। कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं कैप्टन दादा। जॉर्ज झंडा लहराओ। पेपा बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। दादी पिग व्हील संभालो। आई आई कैप्टन। चलो चलते हैं। तेज चलो। शायद आपको थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। तुमने सही कहा दादी पिग, मुझे अपना सारा पेट्रोल खत्म नहीं करना है। दादा पिग तेज चलिए ना, अच्छा लग रहा था। जाएंगे बेटा जाएंगे, हम बाद में तेज जाएंगे। और बोट। ये है दादा डॉग, वो डैनी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आए हैं। कैसे हो डैनी और दादा डॉग? अहो कैसे हो दादा पिग? हेलो डैनी। हेलो पेपा। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग। वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है। ये पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बाल्टी से ज्यादा तेज चलती है दादा पेग। ओ अच्छा, तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ पानी पेग। आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा। आपने पहले उन्हें समुद्री डॉग कहा दादा, आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर उसने पहले सॉरी बोला तो बोलूँगा। दादा, अपने दोस्त दादा पिग को सॉरी बोलिए, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिग है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है। अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग, अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं। तो चलो तीन तक गिनते हैं। एक, दो, तीन। तुमने बहुत जल्दी शुरू किया। मुझे पकड़ के दिखाओ पानी पिग। समुद्री डॉग, बस इतना ही तेज भगा सकते हो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं जीत गया। ओ, ये क्या, दादा पिग की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत होशियारी की कैप्टन दादा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तेज चला दी। हम वापस घर कैसे जाएंगे? वो देखिए दादा डॉग। दादा डॉग हमें खींच कर वापस ले जाएंगे। नहीं, मुझे उस समुद्री डॉग से अपनी बोट को नहीं खिंचवाना। मैंने उस पानी पिग को खींचने के लिए पूछा भी नहीं। क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे? दादा पिग, अब दादा डॉग को सॉरी बोलिए। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा। दादा, दादा पिग को सॉरी बोलिए ना। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पानी पिग कहा। बहुत अच्छे दादा डॉग, क्या आप हमें खींच कर घर तक ले जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी मैडम। इसे पकड़ो कैप्टन। ऑल राइट, स्किप आउट। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। दादा डॉग दादा पिग की बोट को खींच कर घर ले जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि मैं रेस जीत गया। दादा पिग, शरारती दादा पिग। पेपा, बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। शॉपिंग। पेपा और जॉर्ज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग पसंद है। जॉर्ज को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है और पेपा को भी। डैडी, क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ? तुम इस ट्रॉली के लिए बहुत ही बड़ी हो। ओ। पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो। अरे वाह, देखो हमारी लिस्ट में चार चीजें हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज और फल। मैं सब ढूंढ लूंगी। इस तरफ। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग बहुत पसंद है। पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं। मुझे दिख गए, मुझे दिख गए। ये देखो टमाटर मम्मी। शाबाश पेपा। एक, दो, तीन, चार। अब उन्हें ट्रॉली में डालो। मुझे टमाटर मिल गए। शाबाश पेपा। टमाटर, लिस्ट की एक चीज मिल गई है। अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है? नूडल्स, डूडल्स। सही कहा जॉर्ज, लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं। डूडल्स। नूडल्स पेपा और जॉर्ज का पसंदीदा खाना है। अब ये नूडल्स कहाँ पर मिलेंगे? मुझे दिख गए, इस तरफ। नूडल्स, देखो मम्मी, ये रहे नूडल्स। शाबाश पेपा, अब चलो जल्दी से इन्हें ट्रॉली में डालो। ठीक है मम्मी। नूडल्स। जॉर्ज, इसे कहते हैं नूडल्स। नूडल्स। अब लिस्ट में आगे क्या है पेपा? चिप्स। चिप्स तो लिस्ट में नहीं है। हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं पेपा। जरा याद करो। मुझे नहीं याद आ रहा डैडी। क्या तुम्हें याद है जॉर्ज? डाइनो
डायनासोर। डायनासोर? जॉर्ज, यहाँ पर डायनासोर नहीं मिलता बुद्धू। नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर अगली चीज है प्याज। प्याज, अभी याद आया। मम्मी ये रहे। शाबाश। एक, दो, तीन, चार। प्याज। शाबाश, अपने लिस्ट की लगभग सारी चीजें मिल गई। लिस्ट की बस एक ही चीज बची है। पौधा, क्या ये लिस्ट में है? नहीं नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर आखिरी चीज फल है। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम फल चुन सकते हो। फल कहाँ है? वहाँ पर। वहाँ सेब हैं, केले हैं, संतरे हैं और एक बहुत बड़ा तरबूज भी। कौन से फल लें जॉर्ज? सेब, संतरे, केले, तरबूज। इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज, तरबूज, चॉकलेट केक। चॉकलेट केक? चॉकलेट केक? क्या ये लिस्ट में है? पेपा, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं मम्मी। जॉर्ज, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं। मैंने भी तो नहीं रखा। फिर किसने रखा? मुझे लगा पुडिंग के लिए अच्छा होगा। डैडी पिग। शरारती डैडी। सॉरी, लेकिन ये कितना यमी लग रहा है ना? यमी तो लग रहा है। ओ, हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था। चॉकलेट केक। हुर्रा।